नमस्कार, हाउ आर योर फ्रेंड, दिस इज प्रिंस। आज हम दो चार बात करेंगे कि दोस्तों अगले 6 तारीख हमारे सबकी प्यारे बूथ हमको डालने हैं और वो बूथ हम लोग सोच समझ कर डालने हैं। ये अधिकार है हमारे, ये अधिकार किसी को छीन नहीं सकता। दोस्तों हमको ऐसा लगता है कि हमारे पिछले 70 साल से एक बार इस पर मौका आया है, इस मौका को हम लोग गंवाना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारी सोच समझ विचारधारा हम लोग वोटिंग करनी है, पका बेकाबू में ना आए। सोचो दोस्तों, अगले जनरेशन के लिए सोचना है। हम लोग दो चार दिन जीना नहीं है दोस्तों। हमारे पूर्व पुरुषों ने कितना गलती कर रहे होंगे कि अपने मूल्यवान वोट किशोर के फायदे के लिए दे रहे हो। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारी विचारधारा हमारी अगले जेनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हमारी विचारधारा ही हमारे अगले जन्म के जो विचारधारा की जो बच्चों के लिए है वो सुविधाएं होंगे, क्योंकि हमारे अधिकार किसी को इस डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको अधिकार छीनना पड़ता है और छीन कर लेना है, क्योंकि जिसके पास अधिकार होता है उसके पास एक डेमोक्रेटिक के रूल में एक मेजोरिटी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। पर इस पर एडीसी इलेक्शन है, इस पर मेजोरिटी हमारी है और इस पर इस मौका को बिल्कुल ना गवाए। दोस्तों सोचो, किसी के बहकावों में ना आए, इस पर हमारे पूरे अधिकार को और पूरा हक को अपना अपनाना चाहिए। और एक और बात दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना है कि ध्यान रखना इसलिए है कि हमारे जो पूर्व पुरुषों ने पिछले 70 सालों से किस परिस्थितियों में जी रहे होंगे और किस परिस्थितियों में जी रहा होगा, हमारी इस बार उस गलती को बिल्कुल ना दोहराए। इस बार हमारे सोच हमारे विचार एक होना चाहिए, हमारी माँ ना दोहराए। इस बार हमारे सोच हमारे विचार एक होना चाहिए, हमारी मान तान सब एक होने चाहिए। और इस बार इतिहास का जो कि लिखावट है, डू और डाई, करे या मरे, इस बार हमारी परिस्थिति इस परिस्थितियों तक आ चुके हैं, क्योंकि हमारे अधिकार इस बार हमारे हक के लिए है। अगर इस पर सही से इस्तेमाल नहीं किया है तो हमारे अगले जनरेशन में हम लोग कितना प्रभाव होगा किसी और की तरफ से। तो दोस्तों सोचना है, इस पर बिल्कुल नहीं गंवाना है, अपना हाँ अपना तोहफा अपना हाँ अपना अधिकार होना चाहिए। इस पर ध्यान रखो दोस्तों, सभी को इस बात को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचा सके। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।